लेक स्टार्ट लेक शोर से चलना है ना। हाँ, क्योंकि अपन उधर चलेंगे तो अपन ब्रिज से राइट ले लेंगे। क्या बात है, है ना। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देख चुके होंगे, मुझे मिल गया है G2 लाइसेंस, इसलिए मैं भगा रही हूँ गाड़ी। और अभी मैं बिल्कुल फॉरेनर जैसा लग रही होंगी, एनीवे आदि भी लग रहे हैं फॉरेनर जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फोटोशूट के लिए। ओके, और क्या बोलूं। अभी थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान है इसके कारण। अब मैंने उतार दी है अपनी टोपी क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लग पा रहा था। क्यों? हाँ, मैंने अपनी टोपी उतार दी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर के ऊपर कोई बहुत बड़ा सा छत्ता है और गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट के लिए। उसके साथ साथ उसके बाद हम लोग जाएंगे फिशिंग के लिए। आदि की व्यू हो रही है अभी फिशिंग। तो आज क्या है, यहाँ पे फादर्स डे के उपलक्ष्य में क्या है कि यहाँ पे फ्री फिशिंग है, मतलब आप बिना लाइसेंस भी फिशिंग कर सकते हो। एनीवे नहीं तो आपको ना लाइसेंस जरूरी होता है। तो बस वही जा रहे हैं हम लोग। ले लू ना राइट? हाँ, राइट तो ले ही सकते हैं। अब देखो उसका भी ग्रीन हो गया, वैसे तो जल्दी काट। और यहाँ पे लगा हुआ है पुटिन फेस्टिवल का त्योहार। पुटिन फेस्टिवल लगा ना अभी। आ जाएंगे अपन 6 बजे तक, या पहले अपन फोटोशूट निपटा लेते हैं। ठीक है। हाँ, आगे एक और मार्केट जैसा कुछ लगा हुआ है, वो भी चल के देखते हैं। ये पुटिन फेस्टिवल है, यहाँ आने वाले हैं। कहाँ पे पार्क करना है प्लीज ये बता देना मुझे। हाँ, ओके गाइस। तो अभी हम लोगों ने, मतलब मैंने कर दी है गाड़ी को पार्क। और बस देखो कितनी अच्छी पार्किंग लगाई है मैंने। और ये हमारे पति देव, बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ। इंडिया में फॉरेनर लोग घूमने आते ना वो। एनीवे, हम लोग वैसे भी फॉरेन में ही तो हैं, क्यों है ना। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट करने। ये पूरा सामने जो है वो बीच नहीं, लेक है ये, बट हाँ साइड साइड में बीच जैसा बना हुआ है। तो बस हम लोगों का प्लान है उस साइड जाने का। वहाँ सही रहेगा ना आदि? देखिए लोग कैसे अच्छा बढ़िया वॉक भी कर रहे हैं। गाड़ी लॉक करी? मैंने नहीं करी। चाबी इनके पास है तो मैं कैसे लॉक कर सकती हूँ? बट तुम वहाँ सेंसर वाला है, वो कर सकती हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं सोच आप निकलो फिर आप वो कर दोगे। गाड़ी जो चलाता है उसको ये सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, तो गाड़ी जो चलाता है उसके पास अगली बार से चाबी रहेगी। रखो ना, मैं तो बोलता हूँ खुद ही अपनी जेब में रख लेता हूँ चाबी। सुनो, दो चाबियां हैं, तुम एक रखा करो। अच्छा, दो चाबी है। ठीक है, एक चाबी मैं रखने वाली हूँ गाइस अब से। तो ये पुरानी वाली तुम रख लेना, नई वाली मैं रखूंगा। देखिए सब लोग मस्त यहाँ पे वॉक करते रहते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ना बस पैदल पैदल जा रहे हैं। और शायद मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए लोग कैसे सन बात ले रहे हैं यहाँ पे। किसी को दिक्कत हो तो हमको वीडियो में ले लें इसलिए। तो एनीवे हम लोग बस वहाँ तक पहुँच गए होंगे। ये देखिए मस्त बीच के अंदर। एनीवे ये पानी बिल्कुल भी खारा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। मेरे को पहले लगा था आदि के बीच में मतलब समुद्र है, फिर आदि ने बोला अबे पगली लेके ये। तो बस मजे करते हैं अभी, फोटो खिंचवाते हैं अभी। और हमारे फोटोग्राफर साहब खुद एकदम, और क्या पी रहे हो ये आप? मॉन्स्टर क्या होता है ये? एनर्जी ड्रिंक। मेरे को अच्छी नहीं लगती भैया, पियो आप। ये देखिए गाइस ना अच्छा लग रहा है। और अभी ना शाम को 5 बज रहा है, आपको पता है? आपको सब अब देख रहे हो, ये 5 बज रहा है, 5 बजे का सन कहाँ पे? वही ऊपर है यहाँ। पता नहीं लग ही नहीं रहा कि 5 बज रहा है। हैंडसम लग रहा है आदि, वैसे आज खुद ही कपड़ा निकाले आदि ने, तो आज मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट ठीक है। ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। इधर अच्छी फोटो आई है ना, क्या टापू। हाँ, आ गई हमारी लोकेशन।
यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे क्यों आ रही, यहाँ पे लोग क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आते हैं लोग, आते हैं हाँ। अभी इधर को वो वहाँ पे इतने सारे कबूतर है, अगर उन्होंने मुझे काट वाट दिया तो यहाँ पेड़ के इधर हाँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बगुले, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग फोटो शूट करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट फोटो शूट हो गया है, और आप क्या कर रहे हो? चश्मा कर ये बहुत तोड़। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इन्होंने दिया और लगा लिया और वापस दे दिया है। हाँ नहीं तो वही देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरे थ्रू ना कनाडा मतलब नॉर्थ वे की ब्यूटी देख लीजिए, ये देखिए बदक ना, बदक तो बहुत ही अच्छी लग रही है, नहा रही थी। ये देखिए ये एक स्पॉट है, यहाँ पे हमने फोटो शूट किया। ये देखिए हस्बैंड जी इधर रोड है। अब ये फोटो शूट तो क्या है, अब आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा दूसरा वाला चैनल है वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। एनीवे अब हम लोग जाएंगे कहाँ, डॉक पे अभी अभी चलेंगे फिशिंग पे। पहले अपन एग्जीबिशन और वो देख लेते हैं, वो तो बंद हो गया ना, 6 बजे तक का है, 6 तो बज ही चुका है गाइस। देखो 6 बजे यहाँ पे आपको लग रहा है 6 बज रहा है, तो बस अभी वहाँ पे चलते हैं, अगर ओपन होगा तो फिर आपको बताते हैं, नहीं तो फिर डॉक पे जाके और सीधे आपको फिशिंग बताते हैं। ये देखिए गाइस फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे बतकों का, पति देव जो हैं फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखिए बतके भी एकदम बढ़िया मज़े से घूम रही हैं। देखिए गाइस अभी यहाँ पे कितने सारे लोग थे, और अभी एकदम से सब कुछ खाली हो गया, अब कोई भी नहीं है कितना जल्दी है ना अभी वैसे ओ थोड़ी टोपी उड़ गई, गाड़ी गई ना तो उसकी हवा से टोपी उड़ गई, कितना अच्छा लग रहा ना अभी। चश्मा ओके गाइस, तो हम लोग आने वाले थे यहाँ पर, ये पुटीन फेस्ट चल रहा है जैसे आदि ने बताया ही था, ये 6 बज गए तो बंद हो ही गया है। और ये देखो बहुत ही सुंदर है हमारा नॉर्थ बे, बीबी आप पता है इतने अच्छा आ रहे हो ना इस फ्रेम में, वाह माशाल्लाह वाह 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 वाला वाला। तो बस हम लोग ना अभी कहाँ जा रहे हैं आदि, देखो सामने मासाराटी, क्या है मासाराटी, ये कौन सी गाड़ी है, मैं तो पहली बार सुना है मासाराटी, गाने में नहीं मासाराटी यहाँ बकाटी यहाँ पे पीछे ये वो। और ये जो ऑन्टेरियो नॉर्थलैंड रेलवे है ना ओनर, इसका जो काम है वो आदि की कंपनी कर रही है, आदि कर रहे हैं ये। पर आपके ऊपर ये कैप बहुत सूट कर रही है पता है आदि, हैट हाँ मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, शायद मेरी बड़ी है इसलिए पता नहीं, पर आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं आदि कहाँ लेकर जा रहे हैं, फिर बताती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में कहाँ जा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक पर, और यहाँ पे पता है आपको यहाँ पे हम गाड़ी ले जा सकते हैं, और हम लोग रोज फिशिंग के लिए यहीं आते हैं। और यहाँ पे देखो इस साइड पे ना बीच है, इस साइड भी आके आप चिल कर सकते हो बढ़िया, और फिशिंग तो आप कर ही सकते हो जैसे कि। और ये लोग जा रहे हैं बढ़िया पैदल पैदल, और यहाँ पे इतनी धीरे चलना पड़ता है आदि, सामने वो है ना इसलिए धीरे चलाना। हाँ वही, ये देखिए बीच में लोग कितने सारे आज फिशिंग कर रहे, देखो आदि है ना, देखो वो दोनों कयाक में बैठकर कर रही हैं, लड़कियां हैं दोनों। वापरे कयाक तो कितनी हिलती है, मतलब इन लोगों को डर भी नहीं लगता यार, हम तो क्या करना, वो पानी कितना गहरा होगा वहाँ पे। हाँ वैसे ये भी है, वहाँ पे 5 फीट बोल रहा था ना वो उस दिन के, 5 फीट है बस पानी, ज्यादा नहीं है। और मैं आपको स्पॉट दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग रोज फिशिंग करते हैं, अभी भी आएंगे, ओपन है ओपन है ओपन है। एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे ये आइसक्रीम की शॉप देख रहे थे कि ये ओपन है कि नहीं है, ओपन होगी तो हम लोग फिर कार वहीं पे पार्किंग में उस साइड लगा देंगे और फिर आ जाएंगे। ये वो मार्लिन 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 का क्या है उसका नाम, लू 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 की गाड़ी है, नहीं वो बैठा होगा मार्लिन अंदर,
इसके अंदर डॉग सोया रहता है हमेशा। हाँ अब हाँ सब हमारे ऊपर ही रह सकते। एक ने तो अभी पूछ लिया ना कि तुम्हारी गाड़ी में इंजन है कि नहीं। अभी तो खाली पड़ा है यार डॉग। यहाँ पे बोल रहे चीफ कमांडा पार्किंग ओनली, दूसरी जगहों पे तो इतने मस्कीटोज रहते थे, मच्छर है कि भगवान पूछो मत। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे क्या हवा चलती रहती है और बढ़िया। ये देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं आइसक्रीम की, हमें भी ऐसे ही लगना पड़ेगा आइसक्रीम की लाइन में। अब मैं इस साइड से दिखाती हूँ व्यू, ये देखिए मुझे मिल गई यहाँ पे आइसक्रीम। कॉटन कैंडी तुम्हारे ड्रेस से मैच कर रही है। हाँ। ये कैसी आइसक्रीम आदि? पता नहीं। मैंने पहली बार देखी है। इसलिए तो मैंने ट्राई करने का सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। खोलो उसको। हम वहाँ से भी खाएंगे। हाँ। कैसी है? अच्छी है, ऐसा लग रहा चॉकलेट खा रहे हैं। चलो। क्विकिंग लॉट। Okay guys, तो आदि बना रहे हैं मेरे लिए रॉड, मतलब फिक्स कर रहे हैं रॉड को, और मैं खा रही हूँ यहाँ पर पेप्सी। यहाँ पे फ्रीजी बोलते हैं, तो कितनी बड़ी है ये, है ना? आपने रख दिया उससे। तो अब इसने कर लिए हैं कपड़े चेंज। हाँ, क्योंकि ना डॉग पे मच्छर है और फिर हम लोग तो अभी 2 घंटे तो रहने वाले हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने ये वाले कपड़े लेकर आई थी। तो मैंने फ्रॉक उतार ली, कार में ये पहन लिया, और हमारा सारा सामान भी तैयार है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल डॉग पे, और इधर पे लोग ना क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियन लड़के लोग। और दिखाती हूँ, रुको देखो, अभी बंद कर दिया। ओके, और ये देखो यहाँ पे लोग ऐसे मस्त घूमते हैं शाम में, कितना प्यारा लग रहा है ना। आदि आप तो बिल्कुल अच्छा लग रहे हो उसके साथ। ध्यान से चलो। हाँ, तो उल्टे चलना चाहिए, उल्टे चलना चाहिए, मालूम है। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों को एक दो फ्रेंड्स लोग मिल गए हैं, तो बस हम लोग जा रहे हैं। And this is our friend, Lynn. Oh, are you okay? Yeah. Because, oh yeah, so she's Lynn. Yeah, she. ice cream. Show me your ice cream. Ice cream for ice cream. Oh yeah, it's colorful. Adi, yeah. Show me your ice cream. It's mango. But it's look like orange. And it's a huge cup. Okay guys, तो आदि ने बना दी है, मेरे लिए रोड बना रहे हैं। अब मेरी आइसक्रीम पिघलती जा रही है, बहुत बड़ा है ये। और लिन जो है वो फोटो खींचने लगी है यहाँ पे। और ये देखिए वो कितनी बड़ी बोट है बेबी। Okay. ये है चीफ कमांडा। ये पूरे तालाब में आपको घुमाती, पूरे लेक में आपको घुमाती है। नाइस राइट? थैंक यू। एंड दिस इज जस्ट विद एन आईफोन, यू शुड सी द पिक्चर्स आई टुक विद देयर कैमरा। या मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ गाइस। अभी 7:30 बज रहा है शाम का, ऑलमोस्ट नहीं 8 बज गया ना, ऑलमोस्ट 8 बज गया है। मुझे थोड़ा सा बैठना है। आदि यहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, और आदि हमारे पास क्या है? चेयर। हमारे पास चेयर है, ये देखिए गाइस, ये क्यों? यहाँ पे फिशिंग, यहाँ पे एक भी फिश नहीं है। तो तुम्हें यही करनी है ना? नहीं, मैं तो ऐसे बोल रही थी। तो गाइज अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आदि मुझे सिखाने वाले हैं फिश, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कास्ट करना। थोड़ा उधर जाओ ना आदि। हाँ तो देखो, हाँ ये जो है ये अभी लॉक है। हाँ तो तुम्हारे को ये इसको यहाँ पे पकड़ना होगा। हाँ ऐसे। हम्म, इसको अनलॉक करना होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर इसको पीछे ले जा करके जब छोड़ोगी, हाँ तो इसको फेंकोगी तो ये उंगलियां छोड़ देना कि वो चली जाए। हाँ ओके, फिर लॉक कर देना। हाँ फिर लॉक करने के बाद इसको
धीरे धीरे व्हीलिंग ओके बाय गुड नाइट शी इज गोइंग अब हमारे पति देव डालेंगे कास्ट करने वाले हैं तो मैं आपको इनकी कास्टिंग दिखाती हूँ फिर मैं अपना करती रहूंगी खेलती रहूंगी उससे रॉड से पर मैंने अच्छी कास्ट की ना पहली बार में गाइस तो अब मैं अपनी आइसक्रीम खत्म करती हूँ फटाफट से और फिर मैं फिशिंग करने की कोशिश करती हूँ अगर मैं कुछ पकड़ में आई तो आपको बताते हैं नहीं तो जब हम घर जाएंगे तब बताएंगे अब ये डालने जा रही हैं हाँ गाइस पहला वाला वीडियो तो आ नहीं पाया ओह वाओ नाइस नाइस अब बुलाओ मेरी मछली कितनी हरी ताजी कहाँ से गाइस अभी बस एक इंसान ने पकड़ी है एक मछली बाकी किसी ने भी नहीं लूनी था कोई और ने शायद और ये देखिए सनसेट अभी बज रहा रात का 9 और ये कोई ड्रोन उड़ा रहा है ये देखिए ऊपर ओके गाइस तो अभी मैं आ गई हूँ ये इस साइड पे और आदि को भी मैंने बुला लिया है यहाँ पे भी थोड़े बहुत लोग हैं ये वाला है जो इलाका जहाँ पे हम लोग आए थे ना वो वाला इलाका तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ मिला तो है नहीं बट ठीक है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब जाके सनसेट हुआ है 10:45 और देखिए तो भी इतना उजाला है आप आराम से देख सकते हो तुम ब्यूटीफुल सा तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर अब तो बजने वाला है 11:15 है ना हमें नहीं मिला है कुछ कुछ भी अपने को नहीं बहुत लोगों को सिर्फ मैंने देखा सिर्फ 2 लोगों को मिली थी उसमें से भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं मतलब 45 सेंटीमीटर तक की 42 to 45 सेंटीमीटर तक की जो फिश है वो आप रख सकते हो और उसमें भी पता नहीं क्या क्या है ये वाली फिश नहीं रख सकते ये रख सकते हो सो ब्ला 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 तो 2 लोगों ने पकड़ी उसमें से एक ही लेकर गया एक ने तो वापस उसको पानी में फेंकना पड़ा क्योंकि वो छोटी थी आदि को भी ऐसे पहले मिली है 3 छोटी मिली हैं जो कि फेंकनी पड़ी और एक बड़ी थी एनीवे मैंने एंजॉय किया मैंने सोचा नहीं था पता है आदि के मुझे अच्छा लगेगा हैं क्यों मतलब मुझे लगा था कि अरे क्या मगर बस बाद में ऐसा लगता है ना कि एक तो मिल गया एक तो मिल गया हाँ वो ऐसा लग रहा था कि अरे एक मिल जाए मैं फेंक दूंगी वैसे भी कौन खा रहा है फेंक नहीं है उसे बट नहीं मिली बट कोई नहीं दूसरे लोगों को भी नहीं मिली जो लोग प्रो लोग हैं जो बचपन से फिशिंग कर रहे हैं उन तक को एक भी नहीं मिली आज तो हम लोग आज फिर से आ गए हैं डॉक पे और आज है नेक्स्ट डे यानी कि मंडे और मुझे मिला है सरप्राइज मुझे मिला है सरप्राइज आदि की तरफ से तो फाइनली आज मैं ऑफिशियली फिशिंग करूंगी कल मुझे इतना अच्छा लगा इतना एंजॉय किया मैंने तो आदि ने मेरे लिए लाइसेंस ले लिया तो आज फिर से हम करते हैं फिशिंग कुछ पकड़ में आता तो बताते नहीं तो कोई बात नहीं है ना आज तो पकड़ के रहे हाँ एक तो एटलीस्ट है तुम पकड़ो एंड गाइज आप सोचोगे कि आज ये फिर से सेम कपड़ों में तो क्या है यहाँ पे ना थोड़ी सी ठंडी लगती है प्लस मच्छर भी होते हैं थैंक गॉड कि हम लोग इस साइड पे करते तो इतने मच्छर नहीं है जो रॉक साइड है ना कल जैसे मैं बताया था उधर पे इतने मच्छर है ना काटते नहीं बस भिन भिन आते हैं और कहीं और फिशिंग के लिए जाओ तो वहाँ तो भैया सूज जाओगे इतना मच्छर काटते हैं और देखो कितना सुंदर अभी सनसेट हो चुका है और अभी बज रहा है शाम का नहीं रात का 9:30 तो 9:30 अभी सनसेट हुआ है और आप देखिए और ये आदि को देखिए कुर्सी वर्सी कंधे पे कुर्सी हाथ में सही बात है है ना मैंने तो उसे कुछ रखा ही नहीं है आए बड़े मैं क्या वीडियो पे आना था ज्यादा इतना और मैं तो अभी कुर्सी पे बैठ के फिशिंग करूंगी बढ़िया और मिलते हैं थोड़ी देर में ये आदि यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं मैं यहाँ पे बढ़िया बैठ के कर रही हूँ अभी घर से फोन आया था तो बात के लिए इधर भी बैठे हुए हैं गाइस तो हम लोग जा रहे हैं घर पे अभी बज गया है रात का 11:15 11:15 मिनट
और कुछ नहीं मिला, इतनी सारी मछलियां कूद रही है लेकिन आ नहीं रही है। ये देखो, ये कूदी। हाँ ये कूदी, आवाज आई अभी ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, एक दिन हम पकड़ेंगे। अपन वैसे भी लर्नर हैं, अपन सिर्फ काम उसके लिए आते हैं, पीस के लिए के मस्त यहाँ पे ठंडी। ये सही टाइम है ना पीस का। हाँ ये मतलब सही टाइम है। हाँ ये सही टाइम है, मस्त हवा चलती रहती है ठंडी ठंडी और मस्त बैठे रहो, बस मच्छर है। हाँ बहुत ही अच्छा लगे। हम बढ़िया खाना वाना खा पी के आओ, बढ़िया है ना। मैं वो तो सही सोच है, सोच रहा हूँ खाना वाना खा करके फिर आया करेंगे। फिर आया करेंगे तो फिर टेंशन फ्री जाके सो जाओ। हाँ खाना भी बच जाएगा, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ये करते हैं आपसे अपन। हाँ दी ओके गाइस, तब जाते हैं घर, खाते हैं खिचड़ी। आजादी की फरमाइश थी खिचड़ी और चटनी, टमाटर की चटनी, टमाटर धनिया चटनी इनको बहुत पसंद है। तो जाते हैं घर और खाते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग हमेशा की तरह लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और टाटा बाय बाय।